हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड सैंडविच स्वीट, जो काफ़ी कम बजट में बहुत बढ़िया बन जाता है बिना किसी झंझट के बहुत ही कम समय में, जो घर में सबको बहुत पसंद आने वाला है। एकदम नई रेसिपी है ये, आपने शायद पहले कभी नहीं खाया होगा, तो इस दिवाली आप ये रेसिपी बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। बनाने के लिए हमें ब्रेड के कुछ स्लाइसेस चाहिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ब्रेड के कुछ स्लाइसेस लिए हैं। सबसे पहले मैं दो ब्रेड लूँगी और ये जो किनारे हैं इसके, इसे हमें कट कर लेना है। मैं मार्केट से ऐसा ही ब्रेड लाई थी, इसके किनारे पहले से कट थे। अभी हमें क्या करना है, बीचों बीच इसे कट कर लेना है और इसे हम इस तरीके से घुमा के फिर से कट करेंगे सेंटर से। ये हमारा कट हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी सब भी कट करेंगे। ब्रेड थोड़े कम लग रहे हैं, दो स्लाइस मैंने और लिया है और इसे भी हम बिल्कुल इसी तरीके से कट करेंगे जैसे हमने पहले कट किया था। हमें इस स्वीट में, एक स्वीट में हमें तीन तीन ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा हमने और कट किया। ये सारे कट हो गए हैं, अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए हमें ऑयल चाहिए, मैंने इसे गरम कर लिया है। इसके अंदर हम इसे डालेंगे और अच्छे से पलट के इसे हम एकदम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये वही तेल है जिसमें हमने चंद्रकला की रेसिपी बनाई थी और जो इसकी चाशनी बची हुई थी चंद्रकला की, वो भी मैंने रखा है। उसी चाशनी में हम ये रेसिपी भी बनाएंगे। और ये देखिए, इस तरीके से पलट के हमें गोल्डन ब्राउन करना है इसे। और ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। ये फ्राई हो गया है, अब हम इसे तेल में से इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी सारे ब्रेड के स्लाइसेस को भी फ्राई करेंगे। एकदम गोल्डन ब्राउन करना है हमें। और हमारे सारे ब्रेड जो हैं फ्राई हो गए हैं। और ये है हमारी चाशनी, ये वही चाशनी है जिसमें मैंने चंद्रकला की रेसिपी बनाई थी, उसमें से जो चाशनी है वो बच गई थी। इसी चाशनी में हम ये ब्रेड की जो स्वीट है वो बनाने वाले हैं। ब्रेड हमारे सारे फ्राई हो गए हैं, देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब ये जो ब्रेड है इसके जो स्लाइसेस हैं हम सारे एक साथ इसके अंदर नहीं डालेंगे, हम इसके अंदर 5 से 6 एक बार में डालेंगे। और अब हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए ऐसे ही चाशनी में रहने देंगे। 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चाशनी में से निकाल लेंगे। ज़्यादा देर हमें इसे नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारा जूस घुस जाएगा। और इसी तरीके से हम बाकी सारे को भी करेंगे। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट रख के हमें वापस निकालना है। और ये देखिए, अब हम मावा लेंगे। मैंने यहाँ 2 जगह मावा रखा है। इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, इसके अंदर मैं एक में येलो कलर और एक में मैंने ऑरेंज कलर लिया है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच के करीब चीनी डालेंगे और इसे हम अपने हाथों से मिक्स करेंगे। पहले येलो वाला कर लेते हैं, इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम अपने हाथों को धो लेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। ये जो ऑरेंज वाला है वो येलो में नहीं जाना चाहिए। ये हमारा मिक्स हो गया है और अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने ये प्लेट में नारियल का बुरादा लिया है, कोकोनट पाउडर लिया है, ड्राई कोकोनट पाउडर। इसके अंदर हम 1 चम्मच डालेंगे कोको पाउडर, थोड़ी सी चीनी और इसे हम अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सारा हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्रेड है इसका एक स्लाइस लेंगे जो अभी हमने फ्राई किया था और चाशनी में डाला था, इसके ऊपर हम ये जो मावा है वो हम इसके ऊपर इस तरीके से लगा के पूरा अच्छे से कवर कर देंगे। चारों तरफ हमें अच्छे से लगाना है। अब हम ब्रेड का दूसरा स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर इसे रख देंगे और फिर ये जो मावा है ऑरेंज वाला वो हम इसके ऊपर फिर से लगा के अच्छे से स्प्रेड करेंगे। पूरा हमें
इसे इक्वल करके पूरा कवर करना है अच्छे से। दो लेयर हमारी हो गई है, इसे हम रख देते हैं। अब हम ब्रेड का तीसरा स्लाइस लेंगे, इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम ये पाउडर लेंगे और जो ब्रेड है उसका हम तीसरा स्लाइस लेंगे। इसके ऊपर ये जो पाउडर है कोकोनट पाउडर, ये हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। जहाँ नहीं लगेगा वहाँ हम अपने फिंगर से इस तरीके से कर देंगे, ईजिली चिपक जाता है ये। और ये स्लाइस को लेके हम इसके ऊपर रखेंगे ये इस तरीके से। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना बढ़िया दिख रहा है। ये कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लग रहा है, येलो ऑरेंज और ब्राउन का। बहुत जल्दी बन जाती है ये स्वीट बिना किसी झंझट के। इसी तरीके से हम बाकी सारी स्वीट बनाएंगे। इस स्वीट में ज़्यादा मेहनत नहीं है, इसे कोई भी बहुत आराम से बना सकता है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। सारे सैंडविचेस हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर रखेंगे चेरी। चेरी को मैंने कट करके इसके ऊपर रखा है और अब हम इसे प्लेट में रखेंगे। और प्लेट में हम रखने के बाद इसे फ्रिज में रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये ठंडा भी बहुत अच्छा लगता है, इसे गर्म भी खा सकते हैं और ठंडा करके भी खा सकते हैं। फ्रिज से हमने बाहर निकाल लिया है, ये ठंडा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे। अगर स्वीट में आपको कलर्स नहीं पसंद हैं तो जैसे मैंने मावा में येलो और ऑरेंज कलर डाला है, आप मावा ऐसे भी लगा सकते हैं। ऐसे भी आप सैंडविच में लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कलर तो मैंने इसलिए यूज़ किया है कि वो देखने में अच्छा लगे। देखिए सारे सैंडविचेस हमारे रेडी हो गए हैं, कितने बढ़िया दिख रहे हैं। देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में तो बहुत ही अच्छे हैं। थोड़ा मीठा है, थोड़ा ऑयली है, लेकिन एक तो हम खा ही सकते हैं। आप कोकोनट पाउडर भी बिना कोको पाउडर के भी ऊपर लगा सकते हैं। और ये देखिए ये जो हमारी स्वीट है सब रेडी हैं। अब हम इसे बॉक्स में रख देंगे और बॉक्स में रख के हम इसे फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में आप 5 से 7 दिन तक इसे रख सकते हैं। इसका टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, बहुत ही बढ़िया लगता है ये। आप दिवाली के 4-5 दिन पहले भी इसे बना सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करें।